तो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से मेरी एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस, आपने थंबनेल तो देख ही लिया है कि आज की टॉपिक पर बात होने वाली है। और गाइस, फिर से सॉरी बोलता हूँ आपको, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपका टाइम बिना मतलब वेस्ट कर दिया था, कुछ बताया नहीं था मैंने उसमें कुछ भी। कोई बात नहीं गाइस, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिक्सआर्ट मेरा ठीक हो जाए, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर काम करने लग जाए, फिर मैं आपके लिए एक बैकग्राउंड रिलेटेड वीडियो ला दूंगा। और गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने ये वाली फोटो अपनी कैसे एडिट करी। और गाइस, आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपको यहीं पर बताऊंगा कि मैं फ़ोटो एडिटिंग कैसे करूँगा। तो गाइस, आपको सबसे पहले लाइटरूम डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने डाउनलोड कर रखा तो मैं ऐसा कर लेता हूँ ओपन। गाइस, आपको यहाँ पे प्लस पर क्लिक करके फ़ोटो ऐड कर लेनी है जिस जो आपको एडिट करनी है। मैंने अपनी फ़ोटो एडिट कर रखी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सेटिंग दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग कैसे कैसे करनी है। भाई, सबसे पहले लाइट पर क्लिक करते हैं। लाइट पर क्लिक करने के बाद हाईलाइट रखनी है आपको -21, शेडोज रखनी है आपको +73, और वाइट रखनी है आपको 18 -18, ब्लैक रखनी है -61। और इतना करने के बाद अब हम चलते हैं कलर्स पर। बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना है, मिक्स पर क्लिक करना है, मिक्स पर क्लिक करने के बाद रेड कलर नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, और ऑरेंज करना है आपको, ह्यू करनी है -6, सेचुरेशन करनी है -17, लुमिनेंस करनी है 24+24, और येलो कलर आपको ह्यू और सेचुरेशन -100 भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, लुमिनेंस छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल। और ग्रीन कलर पर चलते हैं, ग्रीन कलर ह्यू और सेचुरेशन बिल्कुल -6, लुमिनेंस आपको +14, और ये कलर आपको -100 कर देना ह्यू भी सेचुरेशन भी। और अब चलते हैं ब्लू पर। गाइस, ब्लू कलर में आपको ह्यू रखनी है -6, सेचुरेशन रखनी है -3, लुमिनेंस रखनी है -17। गाइस, अब हम चलते हैं पर्पल पर, यहाँ कलर का ये दोनों कलर बिल्कुल नहीं छेड़ने। और अब हम चलते हैं इफेक्ट पर। इफेक्ट पर क्लैरिटी रखनी है आपको +28, दहेज रखना है 10, विग्नेट रखना है -12, मिड पॉइंट 50, फेदर 50। और चलते हैं डिटेल्स पर। गाइस, डिटेल्स पर आने के बाद आपको कुछ नहीं छेड़ना, सब नॉर्मली रहने देना है, और आपकी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। गाइस, अब आपको दिखाता हूँ फ़ोटो पहले कैसी थी। गाइस, ये देख सकते हो पहले कैसी थी और आप देख सकते हो अब कैसी है। गाइस, आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ फ़ोटो कितनी अच्छी लग रही है, देख सकते हो आप कितना मतलब मस्त कलर आया। और गाइस, मैंने इस शर्ट का कलर चेंज पिक्सआर्ट में कर दिया था, आप भी वहाँ से जाकर कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। गाइस, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी सेटिंग्स दिखा दी है कि कौन सी चीज़ कितने रेंज पर रखनी है आपको, वो सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो उसी तरीके से आप अपनी फ़ोटो में भी अप्लाई करना, आपकी फ़ोटो बिल्कुल मस्त एडिट हो जाएगी, बिल्कुल मेरे जैसी वाली, जिसे बोलते हैं ना कति जहर, वही हो जाएगी। तो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हारे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय बाय, टाटा।